मैं आप लोगों के लिए लेके, मतलब इसको कौन सा वाला कलर बोलते हैं, गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला राखी स्पेशल। सो मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजाइन के कुर्तास लाने की कोशिश किया है। सो आई होप कि आज का कलेक्शन आप लोगों को पसंद आएंगे। सो ये सारे प्रोडक्ट मैंने लिया है फ्लिपकार्ट से। अभी सारे ही वेबसाइट में बहुत ही अच्छा सेल लगा हुआ है, जैसे कि राखी आने वाला राखी का बहुत अच्छा सेल लगा हुआ है। सारे प्रोडक्ट आप लोग बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप लोग को मिलेगा। सो सारे प्रोडक्ट का लिंक आप लोग को मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और प्राइस और साइज जो होगा आप लोग को मिलेंगे स्क्रीन में। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। इसी टाइप का वीडियो और भी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास मेरा बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं आगे जो भी वीडियो डालूं आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल सके। सो अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू है, सो हाय माय नेम इज मंजू, और मेरे चैनल में आप लोगों को बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मिल जाएंगे, तो जाके चेकआउट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे मुझे रिसीव हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। सो एक एक करके मैं आप लोग को प्रोडक्ट शेयर करूंगी। सो फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है कुर्ता और पैंट का सेट, आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप का है। ये है एकदम पीच कलर का, बहुत ही प्यारा सा कलर है। सो फर्स्ट मैं आप लोग को यहाँ पे कुर्ता दिखा देती हूँ। सो कुर्ता मुझे यहाँ पे मिला है कुछ इस टाइप का, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर है। आगे यहाँ पे इस टाइप का गोटा पट्टी हो रखा है पूरी इस टाइप से, और स्लीव मिलता है 3/4 स्लीव, और स्लीव में भी यहाँ पे इस टाइप का गोटा पट्टी किया हुआ है। और इसका नेक लाइन बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, आगे से कुछ इस टाइप का है इसका नेक लाइन, और पीछे से ये बिल्कुल प्लेन कुर्ता है, और इधर पूरा प्लेन है ये कुर्ता, और साइड में कुछ इस टाइप का नॉर्मल कट है। और इसका जो कट है वो बिल्कुल परफेक्ट आया है, जैसे कि ज़्यादातर जो रेडीमेड कुर्ता होता है उसका जो कट होता है ना वो बहुत नीचे तक होता है, जिसकी वजह से बड़ा अजीब सा लगता है कैरी करते टाइम पर। बट इसका जो कट है वो बिल्कुल परफेक्ट जगह पर, तो बहुत ही अच्छा लगा हुआ मेरे को। और इसका मटीरियल है कॉटन मटीरियल, जो इस वेदर के लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। सो ये कुर्ता मेरे को बहुत ही पसंद आया। सो इसके साथ मुझे मिला है ये पैंट, पैंट है कुछ इस टाइप का, पैंट के भी नीचे कुछ इस टाइप का गोटा पट्टी दिया हुआ है, और यहाँ पे इलास्टिक मिल जाता है। पैंट का कपड़ा भी बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। सो पैंट भी मेरे को एकदम परफेक्ट आया। सो ये मेरे को बहुत ही पसंद आया, और इसका मुझे प्राइस पड़ा था आई थिंक 500 समथिंग कुछ ऐसा ही पड़ा था प्राइस। सो प्राइस के अकॉर्डिंग तो कपड़ा तो बहुत ही अच्छा आया है कपड़ा। सो ये मेरे को कुर्ता बहुत ही पसंद आया। सो फर्स्ट कुर्ता ये था, और सेकेंड कुर्ती मैंने लिया है ये, आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप का है ये कुर्ती। सिर्फ ये सिंगल कुर्ती है, सिंगल कुर्ती आया है इसका, इस टाइप का है यहाँ पे टाई करने के लिए, इस टाइप से आप लोग टाई कर सकते हो इसको। सो कुर्ता आता है कुछ इस टाइप का, आप लोग देख सकते हो इस टाइप का है, और पूरे दोनों साइड पे बिल्कुल प्रिंटेड है कुर्ता, इस टाइप का गोल्डन कलर का प्रिंट दिया हुआ है, जो बहुत ही प्रीटी लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मुझे कुर्ता। और इसका मटेरियल है कॉटन मटेरियल। इसका जो कुर्ती का मटेरियल है वो मुझे बहुत ही पसंद आया, बट मैं इसको कैरी करके नहीं दिखा सकती आप लोगों को, क्योंकि मैंने साइज़ इसमें लिया है एस साइज़, जिसकी वजह से ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैंने बाकी कुर्ती में भी एस साइज़ लिया है, बट वो मेरे को परफेक्टली हुआ है, बट इसका जो चेस्ट साइज़ है वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको कैरी करके नहीं दिखा सकती। बट इसका जो मटेरियल है, जो मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, वो मुझे बहुत ही अच्छा रिसीव हुआ है। और इसका मुझे प्राइस पड़ा था आई थिंक 350 या 250 समथिंग कुछ ऐसे से पड़ा था, आप लोग को स्क्रीन में प्राइस मिल जाएंगे। सो सेकेंड प्रोडक्ट ये था जो बहुत ही अच्छा रिसीव हुआ है, बट मैं इसको कैरी नहीं कर सकती क्योंकि छोटा हो गया मेरे को इसलिए। सो थर्ड मैंने यहाँ पे लिया है कुर्ता और दुपट्टे का सेट। सो फर्स्ट यहाँ पे मुझे कुर्ता मिला है कुछ इस टाइप का, आप लोग देख सकते हो इसका कलर, इसको क्या बोलते हैं, बैगनी कलर है ना, बैगनी कलर कुछ ऐसे बोलते हैं इसको। सो कलर यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर है, आप लोग देख सकते हो, और आगे कुछ इस टाइप का आप लोग देख सकते हैं, गोटा पट्टी किया हुआ है पूरे यहाँ पे आगे नेकलाइन में, बहुत ही ब्यूटीफुल जो लग रहा है। और इसका जो स्लीव है आप लोग देख सकते हो गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्लीव है, बबल स्लीव यहाँ पे मुझे रिसीव हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। और यहाँ पे कुछ इस टाइप का ये हाथ में बिल्कुल यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे इस टाइप का बटन्स है जो आप लोग इसको खोल के उसके बाद कैरी कर सकते हो। सो स्लीव यहाँ पे कुछ इस टाइप का नेट का स्लीव है दोनों साइड पे, और पीछे इसका कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे टाई अप करने के लिए कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। एक यहाँ पे पीछे के साइड में मिल जाएंगे, और एक यहाँ पे वेस्ट के साइड में भी मिल जाएंगे। सो पीछे से इसका कुछ इस टाइप का है, और आगे से कुछ इस टाइप का है, पूरे दोनों साइड पे ही इस टाइप के प्रिंटेड मिल जाएंगे, और यहाँ पे भी पूरे फॉइल प्रिंट हो रखा है, आप लोग देख सकते हो। सो नीचे का घेरा भी काफ़ी अच्छा है इसका घेरा,
कुछ इतना घेरा मिल जाता है। नेक इसका पीछे से उतना डीप भी नहीं है, थोड़ा सा डीप मिलेगा आप लोगों को नेक। बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुर्ता मेरे को लगा ये। इसका फैब्रिक है रियोन मटेरियल, बहुत ही अच्छा रहता है अभी इस वेदर के लिए। बहुत ही एकदम लाइट कपड़ा रहता है रियोन का, जो कैरी करते टाइम पे बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। सो कुर्ता कुछ इस टाइप का था, जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्यारा सा कुर्ता आया है। कलर इसका बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो इसके साथ मुझे दुपट्टा मिला है कुछ इस टाइप का। दुपट्टे के बॉर्डर में कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, पूरे ही दुपट्टे में इस टाइप का बॉर्डर मिल जाएंगे। और दुपट्टा है सिफोन का, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है। आप लोगों को पता होगा सिफोन का दुपट्टा कैसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट सा दुपट्टा है। इसको आप लोग किसी भी टाइप से कैरी कर सकते हो, बहुत ही इजीली मतलब कंफर्टेबल लगता है इस टाइप का दुपट्टा ना। मतलब अगर इस टाइप से भी कैरी करना चाहते हो तो इस टाइप से भी कैरी कर सकते हो। सो थर्ड प्रोडक्ट ये था। सो फोर्थ प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने लिया है ये ब्लू कलर का कुर्ता, आप लोग देख सकते हो। ये कुर्ता और सरारा और दुपट्टा का सेट है। सो एक एक करके आप लोग को यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। सो फर्स्ट कुर्ता मुझे यहाँ पे कुछ इस टाइप का मिला है, आप लोग देख सकते हो। इसका स्लीव है हाफ स्लीव और आगे कुछ इस टाइप का प्रिंट किया हुआ है, गोल्डन कलर का प्रिंट। पूरे ही कुर्ते पे गोल्डन कलर का प्रिंट इस टाइप का मिल जाएंगे। और इसमें मैंने साइज लिया है एस साइज। मटेरियल है इसका रियोन मटेरियल, जो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही कंफर्टेबल है। इसको मैंने कैरी भी किया था पूरे दिन और बहुत ही कंफर्टेबल है कपड़ा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। और इसके साथ मुझे मिला है ये सरारा पैंट, यहाँ पे कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का इसका घेरा है। और पैंट में भी पूरे ही गोल्डन कलर का इस टाइप का प्रिंट हो रखा है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे इस टाइप का इलास्टिक है और पैंट का कपड़ा थोड़ा सा सी थ्रू है, बट इसके ऊपर कुर्ता आ जाएंगे तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इसके साथ मुझे मिला है इस टाइप का दुपट्टा, आप लोग देख सकते हो। और दुपट्टा इसका सिफोन का दुपट्टा है और दुपट्टे के दोनों साइड पे कुछ इस टाइप का गोटा पट्टी का वर्क हो रखा है, आप लोग देख सकते हो। बहुत ही प्रीटी लग रहा है, जो दोनों इस साइड पे और इस साइड पे इस टाइप के प्रिंट मिल जाएंगे। दुपट्टा बहुत ही सॉफ्ट है, बट दुपट्टा का साइज़ जो लेंथ जो है वो थोड़ा सा छोटा है। सो इसका मुझे प्राइस पड़ा था आई थिंक 500 समथिंग, कुछ ऐसा ही। आप लोगों को स्क्रीन में प्राइस मिल जाएंगे। सो 500 के अकॉर्डिंग मुझे ये तीनों का सेट मुझे बहुत ही पसंद आया। इसका मटेरियल और इसका डिज़ाइन सब कुछ मुझे बहुत ही पसंद आया। सो फोर्थ प्रोडक्ट ये था। और फिफ्थ प्रोडक्ट है ये, जो मैंने अभी कैरी कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्राउन कलर का कुर्ती है, स्लीव में पूरे इस टाइप का फॉयल प्रिंट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गोल्डन कलर का। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आप लोगों को कुछ इस टाइप के मिल जाएंगे, यहाँ पे टाई अप करने के लिए आप लोग इस टाइप का मिल जाएंगे। और पीछे के साइड पे भी आप लोगों को टाई अप करने के लिए इस टाइप की डोरी मिल जाएंगी। और इसका लेंथ मुझे थोड़ा सा शॉर्ट आया है, बट अच्छा लग रहा है। मतलब उतना वो नहीं है, बट थोड़ा सा मुझे लेंथ शॉर्ट लगा। और नीचे कुर्ते के नीचे के साइड में भी पूरे इस टाइप का फॉयल प्रिंट गोल्डन कलर का किया हुआ है, जो बहुत ही प्रीटी सा लग रहा है। और इस कुर्ती का घेरा आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, आप लोगों को इसका लुक मिलेगा, एयरलाइन कुर्ती टाइप का लुक मिलेगा इसका आप लोगों को। सो इसका मुझे ओवर लुक बहुत ही पसंद आया। मतलब ब्राउन कलर की कुर्ती में गोल्डन कलर का प्रिंट बहुत ही प्रीटी लग रहा है, बट इसका जो स्टिच है कपड़े का वो मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आया। आप लोग देख सकते हो स्टिच यहाँ से थोड़ा सा निकला सा हुआ है, खुला खुला सा हुआ है, जो मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। और इसका मटेरियल है रियोन मटेरियल। सो कपड़ा बहुत ही अच्छा है, बट इस स्टिच की फिनिशिंग उतना अच्छा नहीं है। अदरवाइज इसका जो लुक है, इसका जो मतलब डिज़ाइन है, वो सब कुछ मुझे बहुत ही पसंद आया। सो फिफ्थ प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट ये था। सो आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होंगे। और सारे प्रोडक्ट का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जाके चेकआउट जरूर करेगा। सो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।